लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो गई है और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, लेकिन चौंकाने वाला शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करंट जो है लोगों में, खासतौर पर बिहार के लोगों पर, दो चीज़ें देख रही है, 17 साल बनाम 17 महीने और दूसरा केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था महागठबंधन के लोगों ने, जो 75% की जो सीमा की थी भाई, उसको शेड्यूल 9 में करने का, वो भी कोई काम नहीं किया। अब भाजपा में जाते ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे, हालांकि अभिभावक हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, जिसकी मांग हम लोगों ने की, जिसका समर्थन सब लोगों ने दिया, कम से कम वो तो आरक्षण को शेड्यूल 9 में करना चाहिए था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते ये लोग ना। 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज़्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की समस्या को इन्होंने दूर किया, और ख़ास तौर पे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबका मानना है पिछड़े राज्य, बिहार के अलावा भी और भी पिछड़े राज्य हैं, अगर बिहार जैसे राज्य अगर आगे ये बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, 40 में से 39 सीटें इनको मिला पिछले बार, ये 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया।